हेलो स्टूडेंट, क्लास टेंथ में आज का जो टॉपिक है लेसन थ्री तीसरा अध्याय लोकतंत्र और विविधता। नागरिक शास्त्र में आज तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे लोकतंत्र और विविधता। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। जैसे कि इसकी परिभाषा हम सभी को मालूम है, जो बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है अब्राहम लिंकन के अनुसार, लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में और उसमें क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्या 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 अलगाव उसमें होता है, क्या क्या कह सकते हैं कि विभिन्नता या विविधता पाई जाती है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो ये चैप्टर है उसमें एक कहानी है, उसमें कहानी है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। मैक्सिको में एक ओलंपिक हुआ था, उस कहानी के माध्यम से हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मैक्सिको ओलंपिक हुआ था 1968 ईस्वी में हुआ था। मैक्सिको ओलंपिक हुआ था 1968 ईस्वी में मैक्सिको सिटी में हुआ था। तो देखिए, आप ये जो ई बुक है लेसन थ्री, इसमें कुछ आप तस्वीर को देखेंगे तो उसमें क्या पाएंगे? उस तस्वीर में आप देखेंगे तो पाएंगे कि अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन, अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था 1954 से 1968 के बीच, जो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 1954 से 1968 के बीच। तो इस पुस्तक में, इस चैप्टर के को जब आप देखेंगे तो उसमें कुछ तस्वीरें दी हुई होंगी। तो उसमें आप क्या देखेंगे, ये जो तस्वीर है, ये पृष्ठ पे जो छपी तस्वीर है, वो अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना के बारे में इस तस्वीर में या इस कहानी में दी गई है। देखिए, यह घटना कब की है? 1968 की। 1968 में जब मैक्सिको की राजधानी जो है मैक्सिको सिटी में जब जो ओलंपिक हो रहे थे, तो उस ओलंपिक मुकाबले में 200 मीटर का जो दौड़ था, उस पदक समारोह में की ये तस्वीरें हैं जो आपके बुक में दिखाई देंगी। वो तस्वीर कब की है? 1968 की। ओलंपिक उस समय चल रहा था और उस ओलंपिक के दौरान 200 मीटर की जो दौड़ था, 200 मीटर दौड़ की पदक का जो समारोह था, दौड़ के बाद जो पदक समारोह हुआ था, उसकी तस्वीर वहां पे छपी हुई है। कि उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे अमेरिकी जो राष्ट्रगान था, नेशनल एंथम वो चल रहा था, और उस नेशनल एंथम राष्ट्रगान के दौरान दो दो जो मुख्य व्यक्ति थे, दो धावक लोग थे, वे क्या कर रहे थे कि वो खड़े थे, सिर झुकाए खड़े थे और मुट्ठी बांध ताने सिर झुकाए खड़े थे। उन दोनों व्यक्तियों के क्या नाम थे? टॉमी स्मिथ और जान कार्लोस। उनके क्या नाम थे? टॉमी स्मिथ, जान कार्लोस। ये कहानी है, इस कहानी के माध्यम से हमको समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी कब की है? मैक्सिको ओलंपिक 1968 में। तो मैक्सिको ओलंपिक 1968 में हुआ था, उस टाइम पे ये घटना घटी थी। 1968 में राष्ट्रगान, अमेरिका का राष्ट्रगान चल रहा है और उस दौरान गर्दन झुकाए, सिर झुकाए और हाथ को मुट्ठी ताने हुए दो व्यक्ति वहां पे खड़े हैं, और वही व्यक्ति कौन बने? टॉमी स्मिथ और जान कार्लोस। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। एक ने स्वर्ण पदक जीता था उस 200 मीटर ओलंपिक में, टॉमी स्मिथ ने स्वर्ण पदक जीता, और जो जान कार्लोस थे उन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक। और ये दोनों पदक विजेता थे, और जो नेशनल एंथम चल रहा था उस समय एक सिर को झुकाए और हाथ मुट्ठी को ताने हुए खड़े थे। ये दोनों लोग जो थे वे अफ्रीकी अमेरिकन थे, यानी कि अफ्रीकी अमेरिकन, और ये अश्वेत लोग थे। ये दोनों जो थे वे अश्वेत थे, अफ्रीकी अमेरिकन थे, यानी कि अफ्रीका से ये अमेरिका में रहते थे, यानी कि अफ्रीका के इनके वंशज जो रहेंगे वो अफ्रीकी रहेंगे और फिर ये अमेरिका में रहते थे। कैसे थे? अश्वेत थे। अब क्या हुआ कि जब पदक लिया जा रहा, यानी कि पदक जब दिया जा रहा था, तो ये दोनों लोग पदक देने के दौरान
ये दोनों लोग टॉमी स्मिथ और जान कार्लोस, इन्होंने क्या किया कि ये जूते नहीं पहने, बिना जूते पहने सिर्फ मोजे पहने ही वे चले जा रहे थे पदक लेने। और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये दोनों लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं वो काफी गरीब हैं, यानी कि इन्होंने जूते नहीं पहना, सिर्फ मोजे पहन के ये पदक समारोह में चले गए पदक लेने। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो अमेरिका में काले लोग यानी कि अश्वेत लोग हैं, अफ्रीकी अश्वेत लोग हैं, वे क्या हैं, काफी गरीब हैं। तो इसके अलावा इन्होंने क्या किया, अब जो स्मिथ थे, टॉमी स्मिथ, उन्होंने एक मोफलर की तरह गर्दन में, गले में मोफलर की तरह एक परिधान पहने हुए थे, जो उनके गौरव का प्रतीक था, जो अश्वेतों के गौरव का प्रतीक, सम्मान और गौरव का प्रतीक माना जाता था। जबकि ये जान कार्लोस थे, ये जो अश्वेत लोग मारे गए थे उनकी याद में काले रंग की माला पहने गए थे। ये टॉमी स्मिथ काले रंग का एक मफलर की तरह कपड़ा पहने हुए थे, और ये काले रंग की क्या पहने हुए थे, माला पहने हुए थे। अब क्या हुआ, अब इस आधार पर इन्होंने क्या किया, इस आधार पर उन्होंने ये दिखाने का कोशिश किया कि उनकी ये जो कार्यकलाप थे वहां पे, उस मंच पे जो पदक समारोह में हुआ, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका में अफ्रीकियों अश्वेतों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था। ये उन्होंने उस अंतर्राष्ट्रीय मंच के उस दौरान उस मंच से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने की कोशिश की कि अफ्रीकी जो मूल निवासी, जो अफ्रीका यानी अश्वेत लोग हैं, उनके साथ अमेरिका में कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उनकी स्थिति कैसी है। तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया। अब क्या हुआ, हाँ, इसके अलावा क्या हुआ, जो रजत पदक विजेता थे, रजत पदक विजेता जो ऑस्ट्रेलियाई धावक थे, रजत पदक विजेता जिसका क्या नाम था, पीटर नॉर्मन, इन्होंने तो अपना काम किया कि एक काले रंग का मुखला और एक काले रंग की माला पहने हुए था, और उन्होंने ये अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दिखाने की कोशिश की इनकी स्थिति कैसी है। और इसके अलावा पीटर नॉर्मन थे जो श्वेत थे, ऑस्ट्रेलियाई धावक थे, इन्होंने पदक समारोह में अपने जर्सी पे क्या जर्सी पे मानवाधिकार का थप्पा बिल्ला लगवाए हुए था। उन्होंने पीटर नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलिया के धावक थे अपने जर्सी पे ये मानवाधिकार का बिल्ला लगवाए हुए था, और उसका मतलब ये था कि ये उनके साथ, यानी कि ये इन दोनों दोनों काले जो अश्वेत लोग थे इनके साथ जो उस समय भेदभाव किया जा रहा था, उसका ये तीनों लोग क्या करते, विरोध कर रहे थे, और पीटर नॉर्मन जो श्वेत थे उन्हें इनका क्या करते, सहयोग कर रहे थे। तो इन्होंने ये क्या किया, उस बड़े समारोह में इन्होंने ये दोनों काम किया था। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि आप ये प्रश्न सोच सकते हैं कि क्या जो जान कार्लोस थे और टॉमी स्मिथ थे, इन्हें अमेरिका के आंतरिक मामले को उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठाना चाहिए था या नहीं। अमेरिका किसी भी देश के आंतरिक मामले को उस देश में ही उसका निर्धारण किया जा सकता है, अगर कोई भी समस्या तो उस देश में उस समस्या को सुलझाया जा सकता है। तो क्या इन दोनों ने सही काम किया, अमेरिका के आंतरिक मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा के, या क्या ये कोई राजनीति में शामिल थे, क्या उससे कोई इनकी कोई राजनीतिक हिस्सा थी, या राजनीतिक इन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया उस वो बात करके, या उससे संबंधित विवाद करके। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो पीटर नॉर्मन थे वो तो श्वेत थे, पीटर नॉर्मन श्वेत थे, वो तो ना अमेरिकन थे और न ही वे अश्वेत थे, वे श्वेत थे, उनका उन दोनों से कोई लेना देना नहीं था, तो इन्होंने उनका साथ क्यों दिया है। तो क्या अगर उन इन लोगों की जगह पे हम लोग होते, या आप लोग होते, हम सब होते, तो क्या हम ऐसा काम करते, ये हम सोच सकते हैं। क्योंकि वो जो विवाद था वो अमेरिका के आंतरिक मामले का विवाद था, तो ऐसा करना उचित था या नहीं। तो अब क्या हुआ, जब इन्होंने ये सब काम किया, ये सब इन लोगों के काम करने के बाद जो ओलंपिक संघ था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, उन्होंने इनके इस प्रकार के राजनीतिक विचारधारा को सहन नहीं किया, और उन्होंने क्या किया, इसे ओलंपिक भावना के विरुद्ध समझा, इसे खेल भावना के विरुद्ध समझा, और इन दोनों की, टॉमी स्मिथ और जान कार्लोस के पदक वापस ले लिए उस गलती के कारण, क्योंकि उस मंच पे जो इन्होंने किया, जो राजनीतिक संबंधित, क्योंकि
क्योंकि वह खेल का मंच था, उन्होंने राजनीतिक मुद्दा उठाया उठाया तो वह ओलंपिक खेल खेल के विरुद्ध था, इसलिए इन दोनों का पदक वापस ले लिया गया। टॉमी स्मिथ और जान कार्लोस का पदक वापस ले लिया गया क्योंकि ये ओलंपिक भावना के विरुद्ध था। इसके साथ साथ जो ये थे पीटर नार्मल के को भी अपने फैसले के लिए कड़ी क्या किया गया है, उनको हर जाना देना पड़ा, भुगतना पड़ा अपने फैसले से, क्योंकि अगले ओलंपिक खेल में पीटर नार्मल को शामिल नहीं किया गया। तो तीनों को कुछ ना कुछ क्या कहते हैं खामियाजा भुगतना पड़ा। इन दोनों के पदक वापस ले लिए गया, पीटर नार्मल अगले ओलंपिक में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इनके फैसले से क्या हुआ, अमेरिका में बढ़ते जो अमेरिका में राष्ट्रीय आंदोलन थे, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति क्या हुआ, दुनिया का ध्यान आकृष्ट हुआ। यानी कि इन लोगों के इस क्रियाकलाप से अमेरिका में जो नागरिकों के आंदोलन से पूरे दुनिया को क्या हुआ, पूरे दुनिया का ध्यान आकृष्ट हुआ। इसके साथ साथ अब क्या किया गया, सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी जो उस समय की यूनिवर्सिटी थी, सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी जहाँ पे ये दोनों पढ़े लिखे थे, कौन कौन, टॉमी स्मिथ और जान कार्लोस। सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉमी स्मिथ और जान कार्लोस पढ़े थे। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों का सम्मान बढ़ाया, इन दोनों का सम्मान किया इस काम के बदले, और इन दोनों की मूर्तियां अपनी यूनिवर्सिटी में लगाई। इसके अलावा क्या हुआ, इन दोनों की मूर्तियां उस यूनिवर्सिटी में लगाई गई, उनका सम्मान किया गया। और जब 2006 में 2006 में जब पीटर नार्मन की जब मृत्यु हुई 2006 में, तो उनके मृत शरीर को कंधा देने के लिए ये दो व्यक्ति जो थे, जो धावक टॉमी स्मिथ और जान कार्लोस, ये वहां पे पहुंचे थे। तो ये था इन दोनों के, इन तीनों के बीच का संबंध, कि पीटर नार्मन ने इन लोगों का सहयोग किया भेदभाव के विरोध में, जो रंगभेद या अन्य प्रकार के जो भेदभाव किए जाते थे उसका विरोध करने में पीटर नार्मन ने इनकी मदद की। और जब पीटर नार्मन की मृत्यु हुई तो ये दोनों कंधा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। तो ये था कहानी। अब ये कहानी क्या था कि जो मैक्सिको में ओलंपिक समारोह हुआ था, तो इन तीनों ने क्या किया था, इन तीनों ने रंगभेद के विरुद्ध उस ओलंपिक समारोह में ही बड़ा कदम उठाया था। तो ये थी ये कहानी। अब इस कहानी के बाद आगे हम पढ़ेंगे समानताएं, असमानताएं और विभाजन। समानताएं, असमानताएं और विभाजन। समानताएं असमानताएं इस कहानी, देखिए अब ये कहानी जब हम पढ़ें तो कहानी को जानने के बाद क्या हमें लगता है, इस कहानी के माध्यम से हमें ये लगता है, कहानी के द्वारा हमें ये पता चलता है कि किस तरह से खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया, किस तरह से इन तीनों खिलाड़ियों ने, इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलता है किस तरह से इन तीनों खिलाड़ियों ने सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। तो क्या उस समय जो भेदभाव होता था सिर्फ रंग के आधार पर होता था, या सिर्फ रंग के आधार पर होता था, या नस्ल के आधार पर होता था? इस कहानी में हमने क्या देखा कि क्या कहानी से तो ये पता चला कि रंग नस्ल के आधार पर होता था। क्या उस समय जो सामाजिक भेदभाव होता था वो सिर्फ रंग या नस्ल के आधार पर होता था? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इस चैप्टर की किताबों में, पिछले जो चैप्टर है इस किताब की, समाज नागरिक शास्त्र के पिछले जो अध्याय में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सामाजिक भेदभाव के कई उदाहरण हमने देखे हैं इस बुक में जो हम पढ़े हैं, पिछले चैप्टर में सामाजिक भेदभाव के कई उदाहरण देखे हैं। जैसे कि बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में क्या हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ था, बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में उस समय पे हर इलाके में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यानी इन बेल्जियम और श्रीलंका में क्या हुआ, उस समय जो सामाजिक विभिन्नताएं थी वो क्षेत्रीय आधार पे और भाषाई आधार पे थी।
क्षेत्रीय और भाषाई इलाके थी। जैसे बेल्जियम में क्या, बेल्जियम में हर इलाके में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, हर इलाके में रहने वाले लोग क्या करते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। इसके अलावा श्रीलंका का क्या स्थिति, श्रीलंका में भाषा के आधार पे अलग राज्य था, यानी कि भाषाओं के आधार पे और क्षेत्र, भाषा और क्षेत्र के आधार, श्रीलंका में जो बंटवारा था, सामाजिक बंटवारा, वो भाषाओं और क्षेत्र के आधार पे था। अब मालूम है कि भाषा के आधार पे जहाँ पे ज्यादा भाषा बोलने वाले थे, सिंगली ज्यादा बोलने वाले थे, तो सिंगली को ज्यादा महत्व दिया गया, सिंगली को राजभाषा घोषित किया गया। तो इस तरह से बेल्जियम में और श्रीलंका में भेदभाव अलग अलग प्रकार के थे, और उस समय संसार में भी हम कह सकते हैं कि जो भेदभाव थे वे सिर्फ रंग और नस्ल के आधार पर नहीं थे, बल्कि तमाम अन्य प्रकार के भी सामाजिक भेदभाव उस समय उस समय देश में या समाज में व्यक्त था। सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक विभिन्नताएं समाज में मौजूद थी। तो ये चीज सामाजिक विभाजन और असमानता है। अब अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है, हम अपने समाज में भी देखते हैं कि सामाजिक भेदभाव, विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव पाए जाते हैं, उसी बारे में हम पढ़ेंगे कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है, देखिए कि जो सामाजिक भेदभाव होता है वो अधिकांशतः देखते हैं कि वो किसके आधार पर होता है, जन्म के आधार पे। जो सामाजिक भेदभाव होता है वो कैसा होता है, जन्म के आधार पर होता है। अपना जैसे अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता है। जो सामाजिक भेदभाव होता है कैसा होता है, जन्म के आधार पर होता है, और हम अपना समुदाय चुन लें या हमारे बस में बहुत कम होता है कि हम अपना समुदाय चुन लेते हैं। हमारा जन्म ही सामाजिक, जन्म के आधार पर सामाजिक भेदभाव होता है। जैसे कि हम जिस कैस कहाँ पे जन्म लिए, यानी कि हम जिस समाज में जन्म लेते हैं, जिस समुदाय में जन्म लेते हैं, उसी के हम सदस्य बन जाते हैं जिस समुदाय में। जैसे कि अगर हम या जात के आधार पर देख लें कि अगर हम उच्च परिवार में, उच्च जाति में पैदा हुए थे, हम उसी समुदाय के हो गए। निम्न जाति के परिवार में पैदा हुए थे, हम उसी समुदाय के हो गए। हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, हम हिंदू धर्म के समुदाय के हो गए। मुस्लिम धर्म में ये जो समुदाय होता है अधिकांश कैसा देखा जाता है, जो समुदाय की विभिन्नताएं होती हैं वो जन्म के आधार पर ही होती हैं अधिकांशतः। 100% नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांशतः जो होती है जन्म के आधार पर होती हैं, और हमारे बस में नहीं होता है कि हम उस समुदाय, अलग समुदाय को चुनें। लेकिन जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर ये कह सकते हैं, जैसे कि पुरुष होते हैं, स्त्री होते हैं, पुरुष स्त्री हो गए। अब इनके जो रंग होते हैं, इनके शरीर का रंग, कलर, चमड़ी, वो अलग अलग होता है। हर पुरुष या हर स्त्री के चमड़े का रंग, स्किन अलग अलग होता है, कलर अलग अलग होता है, उनकी शरीर की क्षमताएं अलग होती हैं। ऐसा नहीं कि दो पुरुष हैं, उनके दोनों की क्षमताएं एक तरह का है, दोनों की चमड़ी एक तरह का है, दोनों की क्षमताएं अलग होंगी, दोनों की अक्षमताएं अलग होंगी। तो ये हर तरह से क्या पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि कभी कभी सामाजिक जो विभाजन होता है वह जन्म के आधार पर नहीं हो सकता। हम अधिकतर कहते हैं कि सामाजिक जो विभाजन होता है जन्म के आधार पर, जिस समाज में हम पैदा होते हैं हम उसी समाज के सदस्य हो जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ये देखा जा सकता है, उदाहरण के तौर पे, कि जो कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होता है कि वह जन्म के आधार पे हो। जैसे कि हम या समाज में, हम कहीं पे भी देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं कि कोई जो व्यक्ति है अपने परिवार में पैदा हुआ है, अपने परिवार का सदस्य है, वो अपने परिवार से अलग होती है, अपने माँ बाप से अलग होकर, अपने परिवार से अलग होकर वो क्या करता है, किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेता है। ये अधिकांशतः देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार से अलग होकर, अपने परिवार के धर्म के अलावा दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेता है, दूसरे धर्म को अपना लेता है। तो वो कह सकते हो कि वो अपने पसंद या अपने चुनाव से वो फैसला करता है। तो कभी कभी जो विभिन्नताएं होती हैं, जो सामाजिक भेदभाव की जो उत्पत्ति होती है, वो सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं होती, बल्कि अपने पसंद या चुनाव के आधार पर होती है। यानी कि हम जो पसंद करते हैं, जो हम चुनते हैं, उसके आधार पर सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होता है। अब उदाहरण पर तौर पर हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हम ही देखें,
अपने समाज में देखें, जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी कि कोई आर्ट, कोई साइंस, कोई मैथ, कोई फिजिक्स, ऐसे होता है ना कि सभी बच्चे का जो विभिन्नता होती है, चुनाव होता है, वो अपने हिसाब से होता है। सभी बच्चे अपने हिसाब से चुनते हैं कि किसे कौन सा विषय पढ़ना है, किसे किस पेशे में जाना है, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन अध्यापक बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, तो वे अपने चुनाव से करते हैं। कौन कौन व्यक्ति कौन कौन बच्चा कौन सा खेल खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, हॉकी खेलेगा, तो ये सब कह सकते हैं। इस आधार पे जो सामाजिक भेदभाव होता है, यानी कि सामाजिक भेदभाव उत्पत्ति होती है जन्म के आधार पे, तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा, जन्म के आधार के अलावा, वह अपने पसंद या चुनाव के आधार पर भी सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक भेदभाव की जो उत्पत्ति होती है वह जन्म के आधार के साथ साथ कैसे होती है, व्यक्ति के चुनाव और पसंद के आधार पर होती है। अब देखिए, सामाजिक भेदभाव का जो बंटवारा करने वाले लोग, सामाजिक विभिन्नताएं के लोगों के बीच का बंटवारा जो है, वो एक बड़ा कारण होती जरूर है। सामाजिक जो विभिन्नताएं होती है लोगों के बीच, सामाजिक विभिन्नता के कारण क्या, लोगों के बीच बंटवारा उत्पन्न होता है, तो वह एक बड़ा कारण जरूर है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, कभी कभी ये विभिन्न समुदायों के बीच पुल का भी काम करती है। सामाजिक विभिन्नताओं से लोग अलग अलग जरूर होते हैं, बंटवारा जरूर होता है, लेकिन कभी कभी ये एक दूसरे के बीच पुल का काम भी करती है। जैसे कि विभिन्न सामाजिक समूह के लोग, विभिन्न सामाजिक समूह के जो होते हैं, क्या कह सकते हैं, विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने सामाजिक समूह से परे, अपने सामाजिक सीमा से परे सामाजिक और असामाजिक, सामाजिकता, सामाजिक समानता और असमानताओं से अलग होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम उस कहानी में जा सकते हैं कि जो पीटर नॉर्मन थे, पीटर विभिन्न सामाजिक समूह के लोग जो होते हैं, विभिन्न सामाजिक समूह के लोग कभी कभी सामाजिक असमानताओं, समानताओं की सीमाओं से परे होते हैं। जैसे पीटर नॉर्मन थे, ये जो थे, इनका उन दो व्यक्तियों से, टॉमी स्मिथ और जान कार्लोस से कोई लेना देना नहीं था। वे तो अश्वेत थे और ये श्वेत थे, ये गोरे थे, वे काले थे, ये ऑस्ट्रेलियन थे और वे अफ्रीकी अमेरिकन मूल नागरिक, मतलब अमेरिका के निवासी थे। वे अमेरिकन निवासी थे, वे अश्वेत थे, ये वाइट थे, सफेद थे और ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो इनके विचार थे, इनके विचार और उन दोनों के विचार वो मैच खाते हैं, यानी कि ये दोनों क्या करना चाहते थे, जो सामाजिक भेदभाव था उसका बहिष्कार करना चाहते थे, उसका विरोध कर रहे थे और ये उनका साथ दे रहे थे। वे उस सामाजिक भेदभाव का विरोध कर रहे थे और ये पीटर नॉर्मन क्या कर रहे थे, उसका उनका साथ दे रहे थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो सामाजिक विभिन्नताएं होती है एक दूसरे के बीच पुल का काम भी करती हैं। तो दोनों में ये मुख्य अंतर नहीं कर सकते, दोनों में ये तीनों में ये समानताएं थी कि वे सामाजिक भेदभाव का क्या करना चाहते थे, सामाजिक भेदभाव का विरोध करना चाहते थे। अब अक्सर हम क्या देखते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म को जो मानने वाले लोग होते हैं वो खुद को एक समुदाय का सदस्य नहीं मानते हैं। एक धर्म को मानने वाले लोग जो होते हैं वो खुद को एक समुदाय का सदस्य नहीं मानते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो जाति होता है और जो धर्म होता है वो अलग अलग होता है, उनका जाति धर्म अलग अलग होता है। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि एक धर्म को जो मानने वाले लोग होते हैं वो अपने को एक समुदाय का सदस्य नहीं मानते हैं। कारण क्या है कि उनका जाति धर्म अलग होता है, और यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी अलग अलग दूसरों के करीब महसूस करते हैं। जो अलग अलग धर्म के अनुयायी होते हैं, धर्म तो उनका अलग अलग होता है, यानी कि उदाहरण हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम धर्म का जो समुदाय धर्म अलग अलग है, लेकिन उनके विचारों में क्या होता है, कभी कभी समानताएं पाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उनके विचारों में समानताएं पाई जाती हैं। तो ऐसे स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जात के लोग या एक ही धर्म के लोग की विचारधाराएं अलग होती हैं और वे एक जात के एक धर्म के होने के बावजूद क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक धर्म या एक धर्म से अधिक, यानी कि दूसरे धर्म के लोग, एक अलग विपरीत धर्म के लोग की विचारधाराएं एक तरह की होती हैं, और ऐसी स्थिति में उनकी जो मानसिक विचारधाराएं होती हैं वे उन्हें एक दूसरे के करीब लाती हैं। तो जो भेदभाव होता है वो सिर्फ धर्म के आधार पर या जात के आधार पर ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी धर्म अलग धर्म के लोग भी समान विचारधाराएं रखते हैं तो वे एक दूसरे के करीब
आते हैं। अब हम परिवार में देख लेते हैं, जैसे परिवार होता है, किसी परिवार में किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं, यानी कि एक ही परिवार में कह सकते हैं कोई गरीब है या कोई धनी है, तो वे क्या होंगे, वे एक दूसरे से दूर होंगे, उनके विचारों में असमानताएं पाई जाएंगी। और अगर कोई परिवार है दोनों एक गरीब है या दोनों धनवान है, परिवार में दोनों व्यक्ति दो भाई हैं या दो व्यक्ति हैं, दोनों एक समान धनवान है या एक समान गरीब है, तो उनकी विचारधाराएं हो सकती है सेम हो, वे एक दूसरे के करीब रहेंगे। लेकिन अगर परिवार में कोई धनी है कोई गरीब है, तो उन दोनों की विचारधाराएं जरूर क्या होगा, अंतर पाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वे कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते हैं। तो ये था सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। तो हम क्या कह सकते हैं इस टॉपिक जो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, इस आधार में कह सकते हैं कि जो सामाजिक भेदभाव होता है वो सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं हो सकता है, लोगों की पसंद के आधार पर, चुनाव के आधार पर भी होता है। तो आज का जो चैप्टर था लोकतंत्र और विविधता, इसमें आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे, इसी चैप्टर में जो आगे कुछ पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।